हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों का महापड़ाव दूसरे दिन हुआ समाप्त। प्रशासन व किसानों के बीच 4000 MCFT पानी देने की सहमति। पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े बांध जवाई से सिंचाई के लिए 4000 MCFT पानी की मांग को लेकर दूसरे दिन दोपहर तक किसानों का महापड़ाव जारी रहा। आखिर दोपहर में दूसरे दौर की वार्ता प्रशासन व किसानों के बीच हुई, जिसमें प्रशासन ने किसानों की मांग को मानते हुए बिना शर्त 4000 MCFT पानी देने की सहमति जताई। बुधवार से किसानों ने पानी को लेकर महाराजा उपज कृषि मंडी में महापड़ाव शुरू किया, जिसमें दिन भर महापड़ाव में प्रशासन व किसानों के बीच में पहले दौर की वार्ता विफल रही। वार्ता विफल होने पर किसानों ने सुमेरपुर शहर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए शहर मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला। किसानों ने मंडी परिसर में ही धरने बैठे और रात मंडी में ही बिताई। रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन सुबह फिर से किसानों की संख्या महापड़ाव में बढ़ने लगी। उसके बाद दोपहर 12 बजे अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सोनी, उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव, जल संसाधन अधिशासी अभियंता चंद्रवीर सिंह अदावत व किसान प्रतिनिधियों के बीच में दूसरे दौर की वार्ता शुरू हुई, जो करीब आधे घंटे में इस समस्या का समाधान निकालते हुए आखिरकार किसानों को सिंचाई के लिए 4000 MCFT पानी बिना शर्त देने की सहमति बनी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी महापड़ाव स्तर पर किसानों के बीच पहुंचकर 4000 MCFT पानी बिना शर्त देने की घोषणा की। उसके बाद किसान संघर्ष समिति ने महापड़ाव खत्म करने की घोषणा की। प्रशासन को ऊपर तक जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर प्रशासन ने किसानों को ओरिजिनल 4000 MCFT पानी देने की सहमति व्यक्त कर दी है। अधिकारी वहाँ सभा में आके कर दी। इस मामले में बड़ा ही सर दे रहा और किसी भी तरह की धमकी या इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो तो ऐसी स्थिति आती तो रोड जाम भी होता, लेकिन प्रशासन इस मामले में सहयोगपूर्ण प्रवृत्ति से चला। ये प्रशासन ने 100 MCFT वाला टैग कंडीशनल डाल दिया था, इसलिए जुमला खड़ा हुआ। लेकिन अब जब ये स्थिति देखी तो प्रशासन ने सब नीचे से लेकर ऊपर तक सब ने सहयोग किया, पॉजिटिव फीडिंग्स दी और उस आधार पर 4000 MCFT पानी देने पर अध्यक्षों ने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है और प्रशासन ने ये वादा किया कि भविष्य में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।